नमस्कार, मैं वैष्णवी चौधरी और आप देख रहे हैं बोल इंडिया न्यूज। खबर शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे अपील है कि अगर आप यह वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और अगर आप यह वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें। खबर कान्हीवाड़ा से, जहां आगामी दिनों में त्योहारों को देखते हुए एक शांति समिति की बैठक कान्हीवाड़ा थाने में संपन्न हुई, जिसमें नायब तहसीलदार मैडम शिवनी सर्किल भोमा, एसडीओपी केवलारी, थाना बीएस कोठारिया और थाना प्रभारी कान्हीवाड़ा के अजय मरकाम और राजनीतिक पार्टियों के नेता शामिल रहे। रेहान पटेल भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष रमेश राय और समस्त क्षेत्र के ग्राम पंचायतों के सरपंच और दुर्गा उत्सव समिति के अध्यक्षगण, पत्रकार बंधुगण, भोमा मस्जिद के सदर एवं शांति समिति के सदस्यगण मौजूद रहे। बोल इंडिया न्यूज के लिए कान्हीवाड़ा से अजीज बाबा रहमान की रिपोर्ट। हम तहसीलदार मैडम से पूछना चाहते हैं कि ये जो मैं मीटिंग रखी गई है, ये किस पर रखी है? आज जो मीटिंग रखी गई है कान्हीवाड़ा में, उसका मुख्य उद्देश्य यही है कि ये जो हमारे दो त्यौहार आने वाले हैं, जैसे कि अपना ये देवी उत्सव और अपना ईद मिलादुन्नबी, तो ये शांति स्वरूप मनाया जाए। और दूसरी चीज़ इसमें जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो अभी हमारा कोरोना महामारी चल रही है, इसमें सभी को ध्यान रखना होगा कि जो पंडाल बनाए जाएंगे इसमें मास्क, मतलब मेन ये है कि मास्क लगाएं ताकि हम इस बीमारी से बच सकें। बाकी ये है, ये तो परंपरागत तरीके से मनाया ही जाएगा। मैडम, पहले जैसा इसके पहले एक आदेश निकला था कि 6 फीट की मूर्ति बनाई जाए, 10-10 फीट में पंडाल बनाया जाए, तो अभी क्या आदेश? अभी वर्तमान में ये मूर्ति का जो हाइट है इसका तो हटा दिया गया है। ये व्यवस्था रहेगी जो परंपरागत रूप से हम लोग पंडालों में जो व्यवस्थाएं करते हैं और दुर्गा विसर्जन के समय में जो व्यवस्थाएं की जाती हैं पुलिस के द्वारा, वो ड्यूटियाँ हम प्रॉपर देंगे। और त्यौहार के परिप्रेक्ष्य में जो है, ऐसे बड़े कस्बे हैं, बड़े शहर हैं, उनमें हमारी पुलिस लगातार पेट्रोलिंग करेगी और सुरक्षा व्यवस्था और त्यौहार के इंतजाम जो है व्यवस्थित तरीके से। थाना प्रभारी कान्हीवाड़ा मौजूद हैं, मैं उनसे पूछना चाहूँगा कि मूर्ति जो सरने विसर्जन के लिए जाएगी, उसमें कितने आदमी का शासन से आदेश है? इसमें मध्य प्रदेश शासन के जो निर्देश प्राप्त हुए विसर्जन के संबंध में, उसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि विसर्जन के लिए जो लोग जाएंगे उसमें 10 व्यक्ति रहेंगे, 10 व्यक्ति से अधिक कोई नहीं रहेगा, और साथ ही साथ रैली या जुलूस के रूप में मूर्ति को विसर्जन के लिए नहीं जाएंगे। ऐसे निर्देश प्राप्त हुए हैं जिसका पालन करने के लिए सभी उपस्थित सदस्यों ने सहमति जारी की है। करीब जो पूजा होती है उसमें शासन से कितने आदमी की अनुमति है? पूजा में लोग काफ़ी आ सकते हैं, लेकिन सोशल डिस्टेंस का पालन करेंगे, मास्क लगाएंगे और पूजा में शामिल होंगे, इसमें संख्या का कोई विशेष मास्क नहीं। हमारे ईद मिलादुन्नबी के त्यौहार में हमारे भोमा में भी बताया सदर साहब ने कि उसमें सिर्फ रात में मिलाद पढ़ी जाएगी और कोई जुलूस नहीं निकलेगा, ना ही कोई प्रोग्राम होंगे, सिर्फ मिलाद पढ़ने के बाद प्रोग्राम ख़त्म कर दिया जाएगा। क्योंकि ईद मिलादुन्नबी इस क्षेत्र में भोमा में मनाया जाता है, तो हमारे बीच भोमा के सदर भी मौजूद है, हम उनसे पूछना चाहते हैं सदर साहब कि कितने लोग कैसे मनाए जाएंगे आपको अभी क्वान्टीना मिलाद का प्रोग्राम।